नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। देर रात सागर बिना रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दो युवकों की मौत हो जाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने सागर बिना रोड में हफसिली गांव के पास जाम लगा दिया। दरअसल मुरम के अवैध परिवहन करने वाले वाहन की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई है। सागर बिना मार्ग हफसिली गांव के पास ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना ही अवैध मुरम का परिवहन किया जाता है। रोजाना सैकड़ों वाहनों का आना जाना होता है। बीती रात मुरम ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत भी हो गई। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध मुरम का परिवहन बंद कराया जाए। 3 घंटे चले चक्का जाम में सैकड़ों वाहन और रोज के आने जाने वाले लोग भी फंसे रहे। आपको बता दें कि हर साल इन ट्रैक्टर की ट्रॉली से मिट्टी का परिवहन होने के कारण यहां आए दिन लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, और जिसकी शिकायत ये ग्रामीण कर भी चुके हैं। वहीं इन ग्रामीणों ने मांग की थी कि इन ट्रैक्टरों का निकलना बंद हो। जब चक्का जाम पर पुलिस राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बात की और इन अधिकारियों के आश्वासन के बाद कहीं 3 घंटे के बाद जाकर जाम खुला है। नहीं चल पाना। तो क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? दुर्घटना हो रही। तो कितने लोगों की मौत हुई आज? 10-12 हो गई। यानी अभी लगातार ये घटनाएं हो रही हैं ट्रैक्टरों से। एक भारतीय है, दो की मौत। चार भतीजों की मौत हो गई हमारी। चार की हो गई। सर, अब आप लोग क्या चाहती हैं? कलेक्टर साहब को बुलवाना चाहते। भाई साहब, ये अवैध उत्खनन हो रहा ट्रैक्टर से, कड़ान छतकर परियोजना से अवैध मिट्टी खोद रहे थे, और जे बहुत तेज गति से ट्रैक्टर चलाते हैं। इससे कई घटनाएं पहले भी घट चुकी। अभी जो एक ही परिवार के दो होनहार बच्चा खत्म हो गए, तो इनके लिए हम लोगों की एक ही मांग है कि ये यहाँ से ट्रैक्टर बंद होने चाहिए, अवैध उत्खनन बंद होने चाहिए। अवैध ना अवैध दोनों अवैध है, वो पूरा अवैध है। इसकी आपने पूर्व में थाने में या कहीं सूचना दी थी क्या? कई बार हम लोग ग्रामवासी, पंचायत, पूरी पंचायत, सरपंच सहित पूरी ग्राम सभा में कई बार प्रस्ताव डाले, कई बार शिकायत करी, और माइनिंग में भी की, थाने में भी की, कलेक्टर साहब के भी कई बार ज्ञापन दिया, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं ट्रैक्टर बंद हो जाए टोटल, और जो परिवार हमारा, ये परिवार ये मुखिया दोनों माने होनहार थे, ये खत्म हो गए, इनको उचित मुआवजा दिया जाए। काहे कि इनके परिवार में अब पालने वाला कोई नहीं। जो अवैध रूप से ट्रैक्टर चल रहे हैं, इसकी किसकी गलती मानते हैं? किसकी मिली भगत मानते हैं? सरकार की, शासन प्रशासन, शासन की है उसमें। ट्रैक्टर वालों को कह रहे हैं ट्रैक्टर LP 1580 87 से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रेवाराम पटेल और नितेश पटेल, ये हफ्तली के रहने वाले हैं, सागर के काम करके बात रहे थे। कितने लोगों की मृत्यु हुई है सर? ये दोनों, और ये घायल भी है और चल रहा है। ग्रामीणों की मांग की सर, जैसे कि अवैध परिवहन को लेके लगातार शिकायतें आ रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हिदायत भी दी गई है, बराबर चेकिंग लगाए। ग्रामीणों को क्या समझाइश दी कि चक्का जाम करवाया? ग्रामीणों को भी समझाइश दी है कि वो भी अपना यातायात के नियमों का पालन करें और विधिवत गाड़ी चलाएं, जिससे एक्सीडेंट की घटना घटित ना हो। अभी जैसे कि चक्का जाम सूचना अगर आती है तो तत्काल पुलिस को इत्तला। चक्का जाम के लिए के कुछ उनने आश्वासन दिया है आप लोगों ने? उन्होंने कुछ मांगे रखी हुई थी? मैं नाम तहसीलदार महोदय आए हुए थे, उनसे बात किया है। ट्रैक्टर जब्त की कार्रवाई होता है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है, जल्दी कुछ मुआवजा राशि की भी मांग की है। अगर वो करते हैं तहसीलदार महोदय अवगत करा दिए। ठीक, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।